मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में मंगलवार शाम को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में नेवी के 3 जाबाजों ने अपनी जान गंवा दी। नेवल डॉकयार्ड पर खड़े INS रणवीर के एक कंपार्टमेंट में धमाका हुआ और इस धमाके में 3 नौसैनिकों की जान चली गई, वहीं 10 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों का नौसेना के अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। धमाके के फौरन बाद जहाज के क्रू ने स्थिति को काबू में किया। INS रणवीर भारतीय नौसेना का जहाज है। INS रणवीर नवंबर 2021 से पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। मामले की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक किसी तरह के बड़े डैमेज की जानकारी नहीं है। INS रणवीर एक वॉरशिप है। यह भारतीय नौसेना के राजपूत श्रेणी के 5 डिस्ट्रॉयर जहाजों में से चौथा जहाज है। इसे अक्टूबर 1986 में नेवी में शामिल किया गया था। INS रणवीर के क्रू में 30 अफसर और 310 नाविकों की टीम है। ये युद्धपोत हथियारों और सेंसर्स से लेस है। और अब खबर गुजरात से, जहां सूरत से भावनगर जा रही एक बस में आग लगने से 2 यात्रियों की मौत हो गई और 3 यात्री बुरी तरह से झुलस गए हैं। यह आग सूरत के वराचा इलाके के हिराबाग सर्कल पर एक प्राइवेट ट्रैवलर्स की डबल डेकर बस में रात करीब 10 बजे के आसपास लगी। बस में 15 लोग सवार थे जो सूरत से भावनगर जा रहे थे। आग अचानक फैली और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस के अंदर मौजूद यात्रियों को कूदकर बस से अपनी जान बचानी पड़ी। इसी दौरान 5 यात्री बुरी तरह से झुलस गए, जिनमें से 2 ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने हिम्मत के साथ बाकी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। बस में आग कैसे लगी फिलहाल पता नहीं चल पाया है और जांच भी जारी है। शुरुआती जांच में ये आशंका जरूर लगाई जा रही है कि बस के इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी। फायर अटेंडर जब स्थल पे आए, घटना स्थल पे, तो पूरा बस जो है आग की लपेट में आ गए थे और स्थानिक से पता किया गया तो बोले कि एक तो इंजर्ड हो गए थे तो एक जेंट्स को हॉस्पिटल लेके गए ऐसा बताया। और फायर ब्रिगेड आने के बाद फायर फाइटिंग और रेस्क्यू का काम चालू किया। एक लेडीज थी उसको 108 में हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया गया और फायर फाइटिंग चालू किया। पूरा आग को कंट्रोल में ले लिया गया है और पीछे जो डिक्की थी उसको तोड़ करके, उसमें थोड़ा सामान वगैरह जल रहा था उसको भी डिक्की तोड़ करके फायर फाइटिंग करके टोटल कूलिंग का काम हो गया है। नहीं अभी तो कोई कारणों का पता चला नहीं, क्योंकि वो स्लीपर कोच था, पूरा सोके जो वो पैसेंजर को लेके जाती है वो थी और उसके अंदर पैसेंजर तकरीबन 12 से 14 लोग थे ऐसा बताया गया। एग्जैक्टली कितने थे वो मालूम नहीं, लेकिन 2 कैजुअलिटी थी, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था, एक जेंट्स और लेडीज़ को, और 13-14-15 के अंदर की अंदर पैसेंजर थे ऐसा माहिती मिला था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।